अमरावती के तत्कालीन महसूल कमिश्नर हारा कुलकर्णी की गाड़ी एकाएक अंबा गेट में दाखिल हुई और साहब गाड़ी से उतरे। ड्राइवर ने गाड़ी बाजू में लगाया। बहुत देर तक साहब के न आने पर ड्राइवर साहब का तपास करने निकला तो ज्ञात हुआ साहब विठल राव के पोड़ी भाजी केंद्र में 1 रुपए में पोड़ी भाजी खाते विठल राव से चर्चा कर रहे। ये किस्सा अखबारों में छपा। तब शहरवासियों को जानकारी हुई कि ऐसा पोड़ी भाजी केंद्र अमरावती में मृगेंद्र मठ के पास में है। दिनांक 26 जनवरी 1989 में सामान्य कटले पर वेल्डिंग व्यवसाय करने वाले विठल राव ने सामान्य परिस्थिति के होते हुए भी अपनी भार्या संग हृदय में मानवता की ज्योत जगाए अपने ही घर में पोड़ी भाजी केंद्र शुरू कर सेवा कार्य करना शुरू किया। विगत 34 वर्षों से यह अखंड व्रत जारी है। राष्ट्रीय पर्व पर मिष्ठान भोजन के संग में भोजन सेवा देने का विठल राव कार्य किए जा रहे हैं। 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस पर दीन दुखियों को मुफ्त में भोजन दिया जाएगा, ऐसा संकल्प विठल राव दंपति ने जाहिर किया है। विदर्भ न्यूज उनके कार्य की भूरी भूरी प्रशंसा करता है। नमस्कार। नमस्कार। काय राव आपला? विठल राव सोनळकर। विठल राव जी, हां, पोळी भाजी केंद्र चालवता तुम्ही? चालवतो म्हणजे गरीबासाठी। आता काय भाव आहे? आता तेच रेट आहे फुकट म्हणजे अपंगाला। हो ते तर आहे, त्याच्याशिवाय याशिवाय अपंग जे हॉस्पिटलचे पेशंट आहे त्याला बाजारात 3 पुणे वाटेवर जायला पाहिजे, नेहमी साठी राहते सगळे 11-3 वाजेवर जातात। बा हो ठीक। नमस्कार ताई। नमस्कार। काय नाव आहे आपला? छाया। छाया ताई सोनवळकर। हा सोनवळकर जी, हा हे पोळी भाजी केंद्र आपण चालवता का? किती वर्षापासून चालून राहिले? जवळपास 35 वर्ष झाले। बरं, बरं, म्हणजे गरीब लोक, हा, ते काय काय लोक 10 वाजे पोळी नाही खाते सारखं, काकू म्हणते आम्ही थोडसा भात देत जा, काही म्हणजे नवीन वस्तू देत जा करून मग तसं देतो आम्ही। असं ठीक आहे ताई, धन्यवाद।